मेरा प्रयास है ईमानदार से लड़ाई लड़ी जाए। और आप लोग देख भी रहे हैं कि जब भी कहीं लड़ाई लड़ने की बात आती है, कोई संघर्ष होता है, तो भीम आरपी और भीम आरपी का छोटा सा कार्यकर्ता चंद्रशेखर हमेशा खड़ा नजर आता। एक चीज मेरी समझ में आई है वो ये है, संघर्ष कोई करता है, लाभ कोई लेना चाहता है। आज भी कोई भी मूवमेंट खड़ी होगी, कोई भी संगठन काम करेगा, तो लोग उस पर अपना एकाधिकार दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि जो सामने काम कर रहा है वो जानकारी नहीं रखता है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो जानकारी रखते हैं। मेरे शब्द बड़े तलख लगेंगे, मैं कड़वा हूं, नीम की तरह कहता हूं, मगर अगर आप इतने अच्छे होते तो आज ये लड़ाई जमीन पे वापस भाई की वहीं ना होती जहां से हम लोग लड़ना स्टार्ट किया था हम लोगों। तो कुछ खामियां रही है, दूसरों में झांकने से पहले अपने आप में झांके, अपने आप को मजबूत करें वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए, आधिकारिक लड़ाई लड़ने के लिए। यह लड़ाई तब पूरी होगी जब इसको लड़ने वाले लोग समर्पण लेके आएंगे, त्याग लेके आएंगे, और जो आवाम के लिए कुछ करना चाहते हो, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इस लड़ाई में न सफल हो पाएंगे और न ही लड़ाई को लड़ने के लिए दूसरों को मौका देंगे। तो मेरी साफ सबको मंगल कामना है, आप सब लोग जो है इस लड़ाई के लिए एकजुट हुए हैं। जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे इशारा मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा आपकी आवाज आ जाएगी तो चंद्रशेखर आपको आपके आगे या पीछे खड़ा मिलेगा। मुझे नेता बनने का शौक नहीं है, मैं पिछली लाइन में खड़ा होकर भी इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूं, मगर लड़ना चाहता हूं, संघर्ष करना चाहता हूं, शब्दों में नहीं, जमीन पे, लोगों के बीच में, रोड पे, लाठी खा के भी और लाठी मार के भी। यह लड़ाई अधिकारों की है, सब लोग जानते हैं। मांगने से सिर्फ भीख मिलेगी, अधिकार छीनने पड़ेंगे। और हम अगर युवा एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े, ये बुजुर्ग जो हमारे हैं, जो हमारे सीनियर हैं, हमारी बहनें जो हैं, अगर उनका सपोर्ट हमें मिल जाए तो इस लड़ाई को जीतने में ज्यादा देर की बात नहीं है। हम पे रणनीति हो, हम पे कार्यशैली हो, हमारे पास समर्पित कार्यकर्ता हो और हमारे पास कार्यक्रम हो, तो कोई भी विरोधी की रणनीति हमें रोक नहीं सकती है। बहुजन समाज कहना बड़ा आसान है, बहुजन समाज बन नहीं पाया, इस वजह से हम लोग इस लड़ाई में पीछे। पहले हमें बहुजन समाज बनाना पड़ेगा, उनको नेतृत्व देना पड़ेगा, उनके अधिकारों की बात करनी पड़ेगी, किसी एक जाति को बढ़ावा नहीं देना पड़ेगा। और क्योंकि हम लोग सब लोग आज संविधान के पक्ष में खड़े हैं, मैं बार बार चिल्लाता हूं, उसे लेके बजाता हूं कि देश इससे चलेगा। तो जब हम लोग संविधान के पक्ष में खड़े हैं तो संविधान की लोकतांत्रिक जो मूल्य है उनका भी सम्मान करना पड़ेगा और सब लोगों को हिस्सेदारी देके बहुजन समाज, जिसका एक बहुत बड़ा विशाल स्वरूप है, जो जाति और धर्मों में, अनेक प्रकार की बोलियों में, रहन सहन में बटा हुआ है, उसको एकजुट करने के लिए हमें घर से निकलना पड़ेगा। जिस दिन आप घर से निकलने की लड़ाई लड़ोगे, आप जब भी आवाज दोगे, हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून देने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।